हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज के टॉपिक में हम जानेंगे ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशंस के बारे में। ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशंस के फर्स्ट टाइप के बारे में जानेंगे। इसका टाइप है ECB यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड के बारे में जानेंगे। इसका वर्किंग प्रोसेस किस तरह से रन होता है, इसमें किस तरह से डेटा का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ECB मोड के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के बारे में जानते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस रन होता है। ECB यानी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है पहले तो हम उसको ब्लॉक्स वाइज डिवाइड करते हैं। ये हमारे ब्लॉक्स बनाए, हमने ब्लॉक वन है, ये हमारा ब्लॉक टू है और ये हमारा ब्लॉक थ्री है। जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसको हमने थ्री यहाँ पे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डेटा का यहाँ पे करेंगे इंक्रिप्शन यानी कि डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे। तो उसके लिए हम प्लेन टेक्स्ट के साथ की यूज़ करेंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे ये ब्लॉक बनाए, इनका जो साइज है, मान लो इसका साइज 64 बिट है, तो इसका साइज़ भी हमें 64 और इसका साइज़ भी हमें 64, यानी कि तीनों जो ब्लॉक्स हमने यहाँ पे बनाए, जितने भी हम ब्लॉक्स बनाते हैं उनका साइज हमें वहाँ पे सेम रखना है। अब उसके बाद डेटा का इंक्रिप्शन होगा, यानी कि उसको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे की यूज़ होंगी। अब यहाँ पे जो की यूज़ हुई है, ये की यूज़ हुई, तो यहाँ पर डेटा हमारा आया साइफर टेक्स्ट में, या ये भी क्या आएगा, हमारा साइफर टेक्स्ट ब्लॉक कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक को इंक्रिप्ट किया है, ब्लॉक को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। तो हमारा ये जो है ये भी हमारा C1 यानी कि साइफर टेक्स्ट ब्लॉक आया। अब सेम इसमें भी प्लेन टेक्स्ट था, उसमें हमने की यूज़ की, तो हमारा डेटा का इंक्रिप्शन किया, इसमें क्या है हमारा, ये भी हमारा साइफर टेक्स्ट ब्लॉक कहलाएगा। ये साइफर टेक्स्ट ब्लॉक टू हो गया, C2 हो गया। अभी हमारा थर्ड ब्लॉक था, इसमें भी हमें डेटा का इंक्रिप्शन करना है, तो यहाँ पे हम की यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, हमारा साइफर टेक्स्ट ब्लॉक 3 आ जाएगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट होगा हमारे पास, उसको हम ब्लॉक में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसमें की यूज़ करेंगे डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए। अब जो हमारा वहाँ पे साइफर टेक्स्ट आएगा वो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक आएगा, यानी कि हम ब्लॉक का ही तो वहाँ पे इंक्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे ये ब्लॉक का इंक्रिप्शन किया, तो जो हमारा साइफर टेक्स्ट आएगा ये भी ब्लॉक्स में आएगा, ये 1, 2, 3। अब ये हमारी बात हो रही है सेंडर साइड पे। सेंडर साइड पे क्या होता है, डेटा का इंक्रिप्शन होता है, प्लेन टेक्स्ट से उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे ये डेटा हमारा रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, यानी कि रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, साइफर टेक्स्ट में पहुंचेगा डेटा, तो रिसीवर क्या करेगा, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो प्लेन टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट करने के लिए वो वहाँ पे क्या करेगा, डेटा का डिक्रिप्शन करेगा। डिक्रिप्शन करने के लिए इस ब्लॉक में वो की यूज़ करेगा और उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे हमारा ये साइफर टेक्स्ट 1 था, इसमें क्या हुआ, जो रिसीवर है उसने की यूज़ की है। अब की यूज़ करके डेटा का डिक्रिप्ट किया, यानी कि डेटा जो कोड के फॉर्मेट में था उसको प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए यहाँ पे की का यूज़ करना पड़ेगा। अब सेम की जो कि यहाँ पे सेंडर साइड पे यूज़ हुई है, सेम की ही रिसीवर साइड पे यूज़ होगी, यानी कि इसमें सिंपल सा ये है, जो ब्लॉक साइज़ हम यूज़ करते हैं प्लेन टेक्स्ट में उसका साइज 64 बिट है। अब सेम साइफर टेक्स्ट में भी जो हमारा आउटपुट आया है उसका साइज भी 64 बिट में आएगा, और जो की हमने सेंडर साइड पे यूज़ किया सेम की हमें रिसीवर साइड पे यूज़ करनी है। अब जो हमारा यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आएगा इसका साइज भी 64 बिट आएगा, यानी जो भी ब्लॉक्स यहाँ पे हैं सबका साइज सेम होगा, और जो भी की हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो सेम की यूज़ होगी। अब सेम ये प्लेन टेक्स्ट 2 यानी कि ब्लॉक 2 में भी सेम वही होगा, जो इसका साइज है वो इसका साइज होगा, और जो यहाँ पे की यूज़ कर रहे हैं सेंडर साइड पे सेम रिसीवर साइड पर भी हम वही की यूज़ करेंगे। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, पहले हमें प्लेन टेक्स्ट होता है हमारा, उसको ब्लॉक वाइज हम डिवाइड करते हैं। ये ब्लॉक साइफर की बात चल रही है यहाँ पे, ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशंस की, तो प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक में हमें डिवाइड करना होगा। उसके बाद जब हमारे ब्लॉक्स बन जाएंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, जितने भी ब्लॉक्स बनाएंगे उसमें हम की का यूज़ करके डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे। अब इंक्रिप्शन के बाद जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट ब्लॉक जो आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लॉक का इंक्रिप्शन कर रहे हैं, तो वो उसका साइज़ भी सेम होगा, क्या होगा, जो प्लेन टेक्स्ट का साइज 64 बिट होगा, सेम सभी में 64 बिट होगा। उसके बाद जब ये डेटा हमारा कोडिंग फॉर्मेट का जो डेटा है, साइफर टेक्स्ट का जो डेटा है, रिसीवर एंड पे पहुंचेगा, तो रिसीवर भी वहाँ पे की यूज़ करके साइफर टेक्स्ट में की यूज़ करेगा और डेटा को डिक्रिप्ट करेगा, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। और जब उसका जो प्लेन टेक्स्ट आएगा वो भी सेम साइज़ का यानी 64 बिट का आएगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको जान लेते हैं। ब्लॉक साइज सेम प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो भी हम ब्लॉक बनाते हैं प्लेन टेक्स्ट का, उसका जो आउटपुट आता है साइफर टेक्स्ट में, उन दोनों का जो साइज है वो सेम होता है 64 बिट, एंड एवरी ब्लॉक इज इंडिपेंडेंट। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक ब्लॉक जो होता है हमारा इंडिपेंड होता है, यानी कि ये जो ब्लॉक है ब्लॉक 1, ये 2 ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3 इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका अपना अलग प्रोसेस होता है और इसका अपना अलग प्रोसेस होता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेम की यूज़
इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, और इसका एक और प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या होता है, ये जो कीज हम यूज करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, ये सेम की हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो कि इंक्रिप्शन के लिए यूज होती है सेम की यहाँ पे हम डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। एंड इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लो हमारा कोई भी एक लार्ज मैसेज है, उसमें कोई भी हमारा वर्ड जैसे ए है, अब ये ए बी ए और ए इस तरह से ये वर्ड कई बार इसमें अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो हमारा जो टेक्स्ट है इसका हम ब्लॉक बनाएंगे। अब इसका जो ब्लॉक है इसमें जो हम की यूज़ करेंगे वो सेम की यूज़ करेंगे और यहाँ पे सेम उसका वो आएगा, आउटपुट आएगा। अब इस ये जो एक है, अब दूसरे ब्लॉक पे भी इसको ए जो है इसमें सेम की यूज़ करेंगे, सेम आउटपुट आएगा। इससे क्या होगा, जो अटैकर होते हैं यहाँ पे उसको पैटर्न फाइंड आउट करने में काफ़ी इजी होगा, अगर वो इसका पैटर्न फाइंड आउट करना चाहेगा तो उसको इजीली उसका पैटर्न फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पे भी सेम हमारा टेक्स्ट है, यहाँ पे सेम टेक्स्ट है तो इसका आउटपुट सेम आएगा, इसका भी आउटपुट सेम आएगा। इसलिए नार्च मैसेज में अगर रिपीटेशन है तो वहाँ पे इस यहाँ पे अटैकर को हमारा जो पैटर्न होता है उसको फाइंड आउट करने में इजी होता है। इसलिए इट इज़ यूज इन स्मॉल, इसलिए इसी भी मोड को हम स्मॉल प्लेन टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी स्मॉल मैसेज का इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है तो हम ECB यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना ब्लॉक साइफर मोड ऑपरेशंस के फर्स्ट टाइप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक के बारे में, ECB क्या होता है, किस तरह से इसका वर्किंग प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डेटा को प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं विद द सेम ब्लॉक हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, और कोई भी हमारा जो ब्लॉक है ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ये सब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। और जो की यूज़ करते हैं हम यहाँ पे सेंडर साइड पे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और रिसीवर साइड पे डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए सेम साइज की यूज़ करते हैं। ब्लॉक साइज का जो साइज है, प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक साइज है उसका जो साइज है सेम, आउटपुट जो साइफर टेक्स्ट जो आता है उसका भी साइज सेम रहता है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे जाना ECB के बारे में, अगर आपके लिए जानकारी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।